निगाह हिसाब से ठीक हो गए सेट आज सेट चले। सुबह के 8:30 हो चुके हैं, नहा धो के रेडी हो चुके हैं, बिकॉज अभी चल रहे गुरुद्वारे, बिकॉज आज गए नहीं थे सुबह, बिकॉज मसा छुट्टी आती है तो लेट सो रहे, कल तो जाते नहीं। अभी चलते हैं गुरुद्वारे, फिर आगे दूर दूर पी के खेलेंगे। पहुँच चुके गुरुद्वारे सुबह की 10:11 हो चुके हैं, तो बिकॉज अभी चलते हैं दुकान पर, आ जाएंगे 1 बजे, फिर आके रोटी रोटी खा के पढ़ेंगे, फिर खेलेंगे, बिकॉज आज तो खेले नहीं, सुबह कोई है ही नहीं था, तो चलो चलते हैं दुकान पर। 1:30 हो चुकी है, दुकान से आ चुके हैं, अभी खाते हैं रोटी, रोटी खा के फिर काम करेंगे, कल भी नहीं पढ़े मैथ, मैथ की ट्यूशन जाके फिर खेलेंगे, बिकॉज बहुत गर्मी तो हो रही है। 3:40 हो चुकी है, अभी तक ट्यूशन नहीं गए, बिकॉज कहते 4 बजे का टाइम है। अभी बहन ने बनाया सैंडविच, वो खाते हैं, वो खा के फिर चलेंगे ट्यूशन। 5:30 हो चुके हैं, तो अभी देखते हैं ट्यूशन भी लगाए हैं मैथ की, या तो अगर बाहर खेल लेंगे तो क्रिकेट खेल लेंगे, वरना चलते हैं दुकान पर, बिकॉज आज पंजाब का मैच, जल्दी आ जाएंगे। 5:15 हो चुकी है, दुकान से आ चुके हैं अब, बिकॉज आज मैच का और पंजाब का मैच शुरू होने वाला है, वो देखते हैं। रात के 9:13 हो चुके हैं, अभी सोने की तैयारी में, बिकॉज कल है संडे, मिस्टी अभी तो नहीं लेट ही सोएंगे, कमरा हो चुका है ठंडा, बिकॉज ए सी तो चला ही रखे, बिकॉज गर्मी भी हो रही है अब तो चलो अब IPL ही देखना है, वो तो अभी सुबह ही पता लगेगा, इतनी रात तक तो मैं जागता नहीं, बिकॉज सुबह गुरुद्वारे कल तो जाएंगे नहीं, बाकी कुछ कह भी नहीं सकते, चले भी जाएंगे। तो गाइस अगर आपको आज का ब्लॉग अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, थैंक यू, गुड नाइट, बाय।